नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं एक बहुत ही इमोशनल रीज़न के कारण बना रहा हूँ। मेरे 36-37 साल के एक जानकार थे, कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई और अपने पीछे छोड़ गए वो दो रोते हुए बच्चों को और एक बिलखता हुआ परिवार जिसके कि वो मुखिया थे। जब मैंने हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री और ट्रेंड को तलाशना शुरू किया तो मुझे 1000 वोल्ट का झटका लगा। मुझे ये मालूम चला कि इंडिया में जो हार्ट डिजीज़ के कारण मौतें होती हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा हैं, और पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ 50 उम्र से ज़्यादा के लोगों को ही हार्ट की बीमारियां होंगी, लेकिन अब ये धीरे धीरे खिसकता हुआ 30 के नीचे पहुंच गया है। इनफैक्ट हार्ट डिजीज़ से जो मौतें होती हैं 50% यंग लोगों में ही होने लगी हैं। और तो और, हार्ट डिजीज़ के कारण जो मौतें हो रही हैं वो 1990 के मुकाबले आज दोगुनी हो चुकी हैं। ये 2020 का डेटा है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप भी आए दिन सुनते आते हैं किसी सेलिब्रिटी को या जानकार को जो कि बहुत ही यंग थे, फिट थे, उनको भी हार्ट डिजीज़ हुआ, उनकी मौत हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या है हार्ट अटैक, कैसे आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं और क्या वो सिंपल लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं जिसको लागू करके आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं और हमेशा हेल्दी और स्फूर्ति में रह सकते हैं। मित्रों, हेल्दी रहना हम सब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी लाइफ इस देश की भी लाइफ है और हमारी लाइफ हमारे परिवार की भी है, जिसकी जिम्मेदारी हमें उठाना पड़ेगा। और हम ये तभी कर सकते हैं जबकि हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए हार्ट को हेल्दी रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब आसान भाषा में समझते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक आखिर क्या है। मित्रों, हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए, फंक्शंस को करने के लिए मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है, जो बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, और इन रिएक्शंस को कायम रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की, और इसकी सप्लाई करता है हमारे रगों में दौड़ता हुआ खून, जो कि हमारे हार्ट के द्वारा लगातार पंप किया जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा में, एओटा से आर्टरीज, आर्टरीज के सारे आर्टरियोल्स बनती हैं, फिर कैपिलरीज वेंस छोटी छोटी बनाती हैं, और ये वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हमारे राइट एट्रियम में लेकर के आती हैं, और यहाँ से ये हमारे लंग में जाता है जहाँ कि फिर से इसे ऑक्सीजन मिलता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारे हार्ट से ही कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं, वो धमनियाँ या वो शिरे, हिंदी में उतना नहीं जानता, जिसके कारण कि जो हमारे हार्ट की मांसपेशियाँ हैं जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, उसे भी न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं, कैसे ब्लॉक होती हैं वो आगे मैं बताऊंगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लक जब ये यहाँ पे आकर लग जाता है, समझो एक ढक्कन की तरह, तो खून इन्हें नहीं मिल पाता है, इसके कारण ये मांसपेशियाँ काम नहीं करती हैं और हमारे पूरे शरीर को ब्लड नहीं मिलता है, ये हार्ट अटैक है। लेकिन जब यही प्रोसेस लंबे समय तक रहे या इलाज ना हो पाए, इसके कारण हार्ट काम करना बंद कर देता है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कार्डियक फेलियर को, कि शरीर या हमारा हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो पर्याप्त नहीं है कि शरीर की जो रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिज्म को रन करने की उसके लिए, और इस स्थिति में हमारे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं, ब्रेन सेल्स सबसे पहले डेड होते हैं, और ब्रेन डेथ को ही डेथ कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका कारण क्या है और क्या है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लक। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको इमेजिन करा रहा हूँ कि समझ लो ये आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरीज के अंदर की जो लाइनिंग है इसको हम कहते हैं इंडोथेलियम। अब अगर हमारे शरीर में ज़्यादा फैट हो जाए, जिसको कि LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और HDL इसका अमाउंट कम हो जाए, या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाए, जिसको कि हम मेज़र करते हैं लिपिड प्रोफाइल में, लेकिन अगर इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए फैट का, तो ये धीरे धीरे हमारी जो आर्टरीज हैं उसकी लाइन पे डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती हैं, और इसके कारण यहाँ पे हमारे ब्लड से ही जो प्लेटलेट्स हैं उनका भी जमावड़ा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे फाइब्रिन टिश्यूज़ कलेक्ट हो जाती हैं, और धीरे धीरे जो हमारी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, और इसके कारण खून का फ्लो सफिशिएंटली नहीं हो पाता। इसी को हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग कहते हैं,
जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ये कोशिकाएं, ये जो प्लक है, ये टूट जाता है और हार्ट में पहुंच करके कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। तो पहला कारण तो यहीं से स्पष्ट है कि जब हमारे शरीर में फैट का अमाउंट बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स LDL बढ़ेगा या HDL हाईली डिजायरेबल लाइपोप्रोटीन घटेगा, उस कंडीशन में हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं सॉल्यूशन पे भी बाद में आऊंगा, लेकिन पहले हम कारण को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है स्ट्रेस। आजकल हमारे लाइफ की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक बच्चा अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो सिर्फ वो तैयारी नहीं कर रहा, उसके पीछे 200 लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, उसके पिताजी की, माँ की, भाई की, और इसके बोझ तले वो इतना ज़्यादा पिस जाता है कि हमेशा तनाव में रहता है। और जब भी आपका शरीर तनाव में होगा, उस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या इमरजेंसी बटन ऑन हो जाता है। आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तलवार लटक रही है, आप डर जाते हैं, और इसके प्रिपरेशन के लिए हार्ट तेजी से धड़कता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में लाता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ऐसे हॉर्मोन्स जिन्हें कि हम स्ट्रेस केमिकल्स या डेविल्स कॉकटेल कहते हैं, इनका लेवल हमारे ब्लड में लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके कारण ना सिर्फ हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो यहाँ का ल्यूमेन है, इंडोथेलियम जो मैंने बताया, ये डैमेज हो जाता है। और इसके डैमेज होने के साथ ही जितने हमारे कोशिका में प्लेटलेट्स हैं, वही डेंगू वाला प्लेटलेट, वो सारे प्लेटलेट्स चिपकने शुरू हो जाते हैं और फिर से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लक बनना शुरू हो जाता है। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, या जिनके ऊपर जॉब का, फैमिली का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कारण ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट डिजीज़ की भी चांसेस बढ़ जाती हैं। तीसरा कारण है एक्सेस एक्सरसाइज। आपने सुना होगा राजू श्रीवास्तव या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिम में गए और जिम में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इसका कारण ये होता है कि जो हमारी आर्टरीज हैं या उनकी आर्टरीज हैं, उसमें पहले से ही एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बना हुआ है, उनका जो ल्यूमेन है वो नली पतली ऑलरेडी हो चुकी है, और हमारा शरीर स्ट्रेस के टाइम में ज़्यादा ब्लड की डिमांड करता है, उसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, ताकि एक्सरसाइज की जो बढ़ी हुई मेटाबॉलिज्म है उसको पूरा कर सके। और जब हार्ट इतना कैपेबल नहीं होता तो उस ब्लड प्रेशर में, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये प्लग टूट जाता है और ये कोरोनरी आर्टरी में पहुंच के फिर से आपको वहां पे हार्ट अटैक करा देता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते समय जब उनका मेटाबॉलिज्म तेज हुआ, ये प्लग टूट गया और तुरंत उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इसके अलावा एक और कॉमन रीज़न है, वो रीज़न है टाइप ए पर्सनैलिटी। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि घोड़े पे ही बैठे रहते हैं, किसी भी काम में वो 10 बार कहेंगे अरे जल्दी जल्दी करो जल्दी करो, उन्हें कहाँ भागना है, कहीं नहीं भागना, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में रहें, और इसके कारण वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, अपने BP को बढ़ाते रहते हैं, हार्ट बीट को तेज करते रहते हैं, और ये अपने आप में एक हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह है। अब हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या वो उपाय हैं जिसके सहारे कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली जो टेक्निक है जिससे कि आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है फाइंडिंग टाइम टू रिलैक्स। हमारा जो एडुकेशन सिस्टम है ना, वो वाकई बेकार है। वो हमें सिर्फ ये सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दो सर्टिफिकेट के कुछ ऐसे टुकड़ों को जमा करने की, जिससे कि तुम पैसे कमा सको ताकि अपने पेट को पाल सको। इसके अलावा वो हमें ये भी सिखाती है कि सिर्फ चमकदार खिलौनों को कलेक्ट करो, लेकिन हमें वो ये नहीं सिखाती है कि तुम्हें टाइम भी निकालना है ताकि जो खिलौने तुमने कलेक्ट किए हैं तुम उनको एंजॉय भी कर सको। और इसके कारण हम हमेशा चिंता में रहते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप 1 घंटा या 2 घंटा दिन में खुद के लिए निकालें। इस टाइम में आप खुद से बातें करें, जो काम आपको पसंद है उन कामों को करें। जो आपने कोई घर बनाया है, या आपके पास अगर कोई साइकिल है, आपके पास कोई गिटार है, तो आप उसे इंजॉय करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। बेसिकली आपको इस समय रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करनी होगी, और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो अपने आप आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, अपने आप आपकी BP ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं कि एसेंशियल हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंज लाना शुरू करें तो उसकी संभावना है, और क्लिनिकली ये भी प्रूवन है कि धीरे धीरे, जल्दी तो कुछ नहीं होता, ये भी कम आना शुरू हो जाता है। दूसरी टेक्निक है हार्ट कोहरेंस। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसके सहारे कि आप हार्ट की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, हार्ट के पावर को बढ़ा सकते हैं, हार्ट की जो लिमिट है काम करने की आप उसे भी बढ़ा सकते हैं, और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स्ड रह सकते हैं।
इसके अलावा हार्ट में जो डैमेज हुआ है, आपके वेसल्स में जो डैमेज हुआ है, इसे भी रिवर्स कर सकते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च किया वो रिसर्च ये बताता है कि सिर्फ इसके रेगुलर 5 या 6 दिन के प्रैक्टिस के बाद आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है वो 20% बढ़ जाती है और आपके अंदर एक स्टेट आता है जिसे कि हम हार्ट कोहरेंस कहते हैं। ये वो स्टेट है जबकि हार्ट, ब्रेन का लेफ्ट लोब, राइट लोब, ये सारे एक सिनर्जी में, एक बैलेंस में काम करना शुरू करते हैं और ये बैलेंस पूरे शरीर को बैलेंस करना शुरू कर देता है। समझो ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई डांस कर रहा है। अगर सारे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग करेंगे तो क्या होगा, किसी को मज़ा नहीं आएगा। लेकिन सारे अगर सही टाइम पे सही काम को करें तो इसे हम बैलेंस कहते हैं। और हार्ट को, बॉडी को, ब्रेन को, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने की जो सबसे आसान टेक्निक है वो है हार्ट कोहेरेंस। तो हार्ट कोहेरेंस कैसे प्रैक्टिस करनी है इस पर सेपरेट वीडियो बनेगी, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो कि आप अपने हाथ को हार्ट के ऊपर रखिए, धीरे धीरे आप सांस लीजिए और इमेजिन करिए कि ये सांस आपके हार्ट में ही जा रही है और हार्ट से ही वापस आ रही है। और थर्ड स्टेप है, किसी भी पॉजिटिव इमोशन के बारे में सोचें। इमेजिन करो कि आपका बेटा आपके पास आता, आपकी गोद में बैठ गया, या फिर आपको कोई अवार्ड मिला, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे आप प्यार करते हैं। इस तरह की भावना को जब आप अपने हार्ट में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट कोहरेंट स्टेट में चला जाएगा, बैलेंस की स्टेट में, एनर्जेटिक स्टेट में चला जाएगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी मेडिटेशन की क्लासेस या हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ग्रुप में मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मेडिटेशन। मित्रों, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, चाहे आप आराम से बैठें या गहरी सांसें लें या फिर कोई आप गाइडेड मेडिटेशन भी करें, उस स्टेट में आपका वेगस नर्व एक्टिव हो जाता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जैसा कि मैंने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है स्ट्रेस में, उस समय आप फुल फोर्स में होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में होते हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ब्रेक की तरह काम करता है, वो आपको रिलैक्स, रिजुविनेट और रिफ्रेश करना सिखाता है। वो आपके ब्रेन को एक मैसेज देता है, घबराने की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, शांत हैं, तुम आराम से मुकाबला कर लोगे, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स्ड रहो। इसलिए मैं ही चाहता हूँ कि आज से ही आप कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन के प्रैक्टिस करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आंखें बंद करके बैठ जाएं, जो भी नॉइज़ आ रहा है उन नॉइज़ को आने दें, या मेरी बहुत सारी मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं, किसी को भी लगाकर आप एक रूटीन बनाकर रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी लाइफस्टाइल। आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि खाना हम वो खाते हैं जो कि जहरीला है, जो कि बहुत ज़्यादा फैटी है, चाहे वो फास्ट फूड है, आपके आर्टरीज को डैमेज कर रहा है, गट को डैमेज कर रहा है। और हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि हमारा ग्लूकोज, हमारे अंदर का फैट जलता है, उन चीज़ों को हम प्रैक्टिस नहीं करते। और इसके कारण क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि LDL का लेवल आपके ब्लड में लगातार बढ़ता जाता है, यही LDL आपकी कोशिकाओं के साथ चिपक करके एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग का भी निर्माण करता है। इसलिए सिंपल सा सजेशन ये है कि आप ऐसा खाना खाएं जिसमें कम से कम फैट कम हो और प्लांट बेस्ड हो, जिसमें सब्जियां हो, साग हो, फल हो, इन सब को आप करें। और दूसरी चीज़, जापानीज टेक्निक को अपनाएं, मूव मूव मूव। जहां आपको मौका मिले आप सीढ़ियों का उपयोग करें, जब भी आपको मौका मिले आप साइकिल चलाएं, आप अपनी कार को ना निकालें, और जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करें। इससे आप अपने अंदर जमा जो भी फैट है या एनर्जी रिजर्वायर है उसको भी डिप्लीट कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे। और अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल डेविल्स हार्मोन है, इसके कारण ही ना आपकी जो वेसल्स हैं डैमेज होती हैं और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग का निर्माण होता है। एक रिसर्च ये कहता है कि आज 95% से ज़्यादा लोग अपना 95% से ज़्यादा समय स्ट्रेस मोड में गुजारते हैं। वो हर चीज़ को एक टाइगर बना लेते हैं, उसकी साड़ी इतनी सफ़ेद क्यों है, वो मेरे से ज़्यादा हैंडसम क्यों है, बॉस उसको ज़्यादा क्यों अप्रिसिएट करता है। ये एटीट्यूड हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और दूसरा है इसका पॉइंट, आप अपने ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाइए। रिसर्च ये कहता है कि जब आप अपने ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स, चाहे वो सीरोटोनिन हो, नॉरएपिनेफ्रिन हो, इंडोरफिन्स हो या फिर ऑक्सीटोसिन हो, जब आप इनके लेवल को बढ़ाते हैं तो कॉर्टिसोल अपने आप कम होने लगता है। और इसके लिए मैंने हैप्पीनेस पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। यहाँ भी बता देता हूँ, अपने पैशन को फॉलो करिए, आप बच्चों के साथ खेलना शुरू करिए, आप किसी ऐसे काम को करिए जिससे कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ हमारा बर्थ राइट है,
और अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो लाइफ की कोई भी ब्लेसिंग या किसी चीज़ को हम कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ इंसाइट देकर गया है, कुछ सिखा कर गया है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कोई इंसाइट, कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट मिला, तो आप कमेंट करके मुझे इंस्पायर कर सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, और कोई पॉइंट आप मुझे बता सकते हैं जिस पे कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में।